क्या आप भी चाहते हैं बच्चे का दिमाग जल्दी से जल्दी तेज हो? महाराणा प्रताप कितने बड़े थे? पानी के अंदर कहां पर होटल है? बैंक में एटीएम कब आया? इस सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगा। गाइस, महाराणा प्रताप के बारे में आपको कितना नॉलेज है आप एक बार चार शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप कितने फीट के थे, उनका वजन कितना था। आप यहाँ जानकर चौंक जाएंगे, ओह माय गॉड, इतना वजन, इतना हाइट। जी हाँ, जो वीर पुरुषों में से पुरुषों कहा जाते हैं। 7 फीट 5 इंच उनका लंबाई था, हाइट था, बहुत अधिक था, 110 kg वजन था। जी हाँ, आज आपने कभी तो रेस्ट रूम का नाम सुने होंगे होटल का, लेकिन मैं बताता हूँ कि पूर्ण रूप से अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर। आपने कभी होटल का देखे हुए हैं, रेस्टोरेंट को आपने कभी सुने हुए हैं, लेकिन हाँ, भारत ने पहला अपना रेस्ट रूम पानी के अंदर बनाया हुआ है, जो कि कहाँ पर स्थित है आपको अगर घूमने का शौक हो तो देख भी सकते हैं, अहमदाबाद में पानी के अंदर बनाया गया है रेस्ट रूम, जिसको आप एक बार घूमने का जरूर कोशिश कर सकते हैं। गाइस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो दिमाग यानी कि माइंड है जो विकसित करता है, अगर आप उसे पढ़ा रहे हैं तो क्या उसका माइंड हो जो दिमाग क्या विकसित करेगा? जी हाँ, अगर आप उसे प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं तो जीवन यानी कि जो बच्चा छोटा है उसका जो माइंड होगा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। अगर आपके नज़र में कोई बच्चे वगैरह है, आपके घर में छोटे से बच्चे से है, तो उसको आप जल्द से जल्द पढ़ाए, जिससे कि उसका माइंड बहुत जगह है। जो ATM का उपयोग बैंकों में किया जाता है, क्या आप यहाँ जानते हैं कि जो ATM बैंक में उपयोग किया जाने लगा, क्या बैंक खोलना उसके बाद से उपयोग किया जाना, या बैंक खोलने के साथ साथ उपयोग किया जाने लगा? मैं बता देता हूँ कि जो ATM का उपयोग किया जाने लगा वो बैंक खोलने के बहुत दिन यानी कि बहुत अधिक दिन बाद से उपयोग किया जाने लगा, जो कि 27 जून 1967 से बैंकों में ATM का उपयोग किया जाने लगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाय, जो पहाड़ है यानी कि पर्वत है वो सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट है, लेकिन मैं बताता हूँ कि पूर्ण रूप से कौन सा पक्षी उससे भी अधिक यानी कि जो जीव जंतु है उससे भी अधिक ऊंचे उड़ सकते हैं। आप लोग हम लोग कहेंगे कि सभी पक्षी है जो उससे अधिक ऊंचे उड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, एक छोटा सा मात्र जीव वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ता है, जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, मधुमक्खी, जिसको देहाती भाषा में कहा जाता है कि मध। जो मधुमक्खी है वो माउंट एवरेस्ट से ऊंचे उड़ते हैं। गाइस, मैं आपको पूर्ण बताना चाहता हूँ कि कौन सा व्यक्ति, जो सरकार कोई भी है, जो कि बहुत ही कम समय में कितने पेड़ लगाए हुए हैं आप चार सेक्शन लिख सकते हैं, लेकिन 1 घंटा के अंतर्गत 3.2 मिलियन जो कि बहुत हुआ, 30,20,000 के करीब हुआ, जो कि फिलिप्स ने पेड़ लगाकर 1 घंटा के अंतर्गत 3.2 मिलियन को पेड़ को लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका। आज भारत में उमनगोत नदी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से जैसे कि गंगा नदी है वह बहुत बड़े हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से कचरा फैल चुका है, यानी कि उसमें आप अच्छे तरह से घूम नहीं सकते हैं, मनोरंजन नहीं ले सकते हैं, उसमें डेंगू से तैर कर। जी हाँ, लेकिन उमनगोत नदी है जो मेघालय में है, स्थित है, वह बहुत सुंदर है, उसमें आप एक बार सैर करने का मजा ले सकते हैं, बहुत अच्छी नदी है, बहुत साफ सुथरा, में एक भी गंदगी यानी कि कचरा नहीं फैला। कौन सा देश है जहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को 2 साल यानी कि आर्मी का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, अगर वह व्यक्ति नहीं लेता है तो उसको देश के अंतर्गत नहीं रहने दिया जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से माना जाए कि वह देश के अंतर्गत आपको 2 साल ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, उस देश के अंतर्गत जितने व्यक्ति हैं, यह इजराइल का नियम है। मेरे वीडियो इंसान के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंसान है जो कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत गोरा हूँ, लेकिन कभी आपने अनुमान लगाया हो कि आप गोरे होते हुए भी आपका जो परछाई निकलता है वह काला ही निकलता है, आप जितना भी गोरा क्यों ना हो। इससे यह निकलता है कि इंसान को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, यह नहीं कि मैं इतना सुंदर है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अपने लक्ष्य की ओर अगर ध्यान दे रहे हैं आपको तो बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत गुस्से यानी कि बहुत गुस्से में है, कोई व्यक्ति उसको आप अगर जाकर कहते हैं कि आप गुस्से में है शांत हो जाइए, और वह गुस्सा हो जाएगा,
कोई आपके घर या परिवार में है उसको एक अपनाइए ट्रिक जिससे बहुत जल्द गुस्से को शांत कर सकते हैं। उससे कहिए कि आपका हक है गुस्सा करने का, आप जितना चाहे उतना गुस्सा कर सकते हैं, आपको जिस पर गुस्सा करना है उस पर गुस्सा कीजिए। इस प्रकार से अगर आप 5-6 वर्ड को उपयोग कर रहे हैं तो वह बहुत जल्द ही गुस्से को शांत कर देता है। वीडियो आइज गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अधिक रोते हैं, जिसको आप अधिक रोने के कारण उसे चुप कराने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए एक वैज्ञानिक ने बताया है कि साइकोलॉजी बताया है कि जिस बच्चे अगर अधिक रोते हैं उसको चुप करने से अच्छा है कि 1-2 दिन उसको अधिक रोने दे, और उसे छोड़ देने के बाद रोते प्रक्रिया छोड़ देने के बाद वह तुरंत ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई व्यक्ति हमको चुप करने नहीं आएगा इसलिए वह चुप हो जाता है। इस प्रकार से एक बार आप जरूर अपना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। गाइज आप लोगों हम लोगों ने अनुमान लगाए हुए हैं कि जो चॉकलेट मिल्क खाते हैं वह चॉकलेट मिल्क कब बनने का प्रक्रिया आरंभ हुआ, यानी कि कब समय से चॉकलेट मिल्क बन रहा है। जी हाँ, 1680 ईस्वी से ही यानी बहुत दिन पहले से ही चॉकलेट मिल्क बन रहा है, लेकिन पहले उसे कोको कोला यानी कि कोको में मिला कर इसके बनाया जाता था। लेकिन एक स्टूडेंट ने इसे दूध में मिलाकर टेस्ट किया तो बहुत अधिक टेस्ट लगने के कारण इसको दूध में मिलाकर बनाया जाने लगा, जिसका नाम चॉकलेट मिल्क रखा गया। गाइज मनुष्य इंसान सोते समय कितने बार करोड़ को लेता है और जीव जंतु सोते समय कितने बार करोड़ के लेते हैं, मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूँ कि मनुष्य है जो सोते समय हम लोग सोते हैं उस समय हम लोगों को अनुमान नहीं लगता है कि कितने बार करोड़ ले रहे हैं, लेकिन एक लगभग के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य सोते समय 40 बार करोड़ को लेता है। अब जो जानवर है वो जानवर कितने बार करोड़ लेता है आप चार्ट सेक्शन लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर।